कैसे दिन काटे हैं, अरे कैसे दिन काटे हैं, जतनी बताए जइयो कैसे दिन काटे हैं। कैसे दिन काटे हैं, कैसे दिन काटे हैं, जतनी बताए जइयो कैसे दिन काटे हैं। Thank you.
भई साधो। बहिया पकड़ के हमका रहिया बताए जइयो कैसे दिन काटी हम, कैसे दिन काटी हई जतनी बताए जइयो कैसे दिन काटी हई। भगवान की देखिए एक काल्पनिक घटना है जिसको आप सुनने के इच्छुक हैं, वो काल्पनिक घटना है, पौराणिक नहीं है, कल्पना करके बनाई गई है, दुख भरी कहानी है। एक बड़ा गरीब परिवार था, उस गरीब परिवार में एक बूढ़ी माता है और उन बूढ़ी माता के सात बिटियां हैं, एक लड़का है, पति नहीं है। बूढ़ी माता अकेले बिचारी कंडा लकड़ी बीन कर बेच कर किसी में निराई सिलाई करके बाहर हाल अपने बेटियों का पालन पोषण किया। जब बेटियां कुछ सियानी हो गईं, बिचारी इधर उधर से किसी तरह से मांग करके कमा करके सातों बेटियों का विवाह कर दिया। बिटिया अपने अपने घर चली गई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिटियन के होते माता पिता पर भाई, समय पर उनके हाथ पीले न किए जाएं तब भी दोष है। बेटी का ब्याह समय पर ये माता पिता नहीं करते तो उनको पाप लगता है। अब माना किसी कारण बस कहीं अच्छा घर पर नहीं मिला या कोई बीमारी तबीयत गड़बड़ हो गई, वो अलग चीज है, साल दो साल लेट हो जाए। कभी कभी ऐसा है कि भाई बिटिया के लिए वर खोज रहे और ढूंढते ढूंढते तीन साल बीत गए नहीं कहीं सही मिला, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जान बूझ करके ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुजन ने कहा नहीं अभी अभी बिटिया मार अभी 28 साल के रहते हो, काफी 56 साल के हो, फिर उनका समय पर शादी ब्याह होना चाहिए और समय से साल दो साल इधर उधर ढूंढते में लग जाए हुआ लग रहा। महतारी सब कहीं से किसी तरह से बिटियन का विवाह कर दिया तो गरीबी की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। श्रीमान राम गोपाल भैया जी भुजंगी पुरवा से 101 श्रद्धा समंदान भगवान के श्री चरणों में शुभ कमाई भगवान कल्याण के जीवन। और 6 मार्च से यहाँ जगपाल खेड़ा में हमारे गुरु जी का कार्यक्रम होगा, आप लोगों से निवेदन है जरूर पहुंचिएगा। गुरु जी हमारे आएंगे 6 मार्च को जगपाल खेड़ा काली मंदिर के पास कार्यक्रम होगा, एक बार निवेदन है जरूर पहुंचेगा। संतों के दर्शन करने से भी बड़ा लाभ होता है और वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो याद आ गई बात तुमने कहा बता दें। चाचा जी आए हुए हैं जो करवा रहे कार्यक्रम, नाम नहीं हमको याद है, नन्हे लाल नन्हेलाल लाइन माइन, हाँ हाँ, तो उन्हीं के माध्यम से वहाँ कार्यक्रम होगा। गुरुदेव भगवान हमारे आएंगे, 5 दिवसीय वहाँ कार्यक्रम है, तो 6 मार्च को आएंगे। अभी तो ये जनवरी है, अभी फरवरी बीतेगा, फिर 6 मार्च होगा। 6 मार्च से 10 मार्च तक होगा, उसके 10 दिन बाद हमारा भी कार्यक्रम छोटे भरवारा में आ जाएगा 20 मार्च से। तो
बूढ़ी बिचारी माता है, सातों बेटियों के विवाह कर दूं। तो लड़का बोला कि अब हम माता लाओ कहीं परदेश चले जाए, कुछ कमा लाए, घर में भाई गरीबी है। माता ने कहा ठीक है, व्यवस्था कर दिया, बेटा चल दिया कि मोरे रामा साता बहिनी के रे बिरना चले हई पादा देसा चले हई पादा देसाई हो के रे बिरना चले हई पारा देसा चले हई पारा देसाई हो। मोर रामा कबा नो ना घई दोई ना घई ते पारा दसवाती सारे पारा देसाई हो। मोर रामा कबा नो ना घई दोई ना घई ते सारे पारा देसाती सारे पारा गरम पानी ले और दवा खा ले। हेलो बोले थे वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन है कबीर साहब का, तत्पश्चात जैसे कुछ प्रभु की इच्छा। कि हम कावड़ा रे लाच दरिया चलत दरिया, हम कावड़ा रे लाच दरिया चलत दरिया। चलत दरिया हम कावड़ा रे लाच दरिया।
भीतर से जब बाहर लावे और छूट गई महल अटरिया, छूट गई महल अटरिया चलत बेरिया, छूट गई महल अटरिया चलत बेरिया। जिस समय बेटा वो परदेश पहुंचा, परदेश में कमाई करने लगा, भगवान की इच्छा थी एक फैक्ट्री में काम मिल गया। और काम करते करते 3 साल बीत गए। पहले फोन वोन भी नहीं था भाई, जो हाल चाल मिल सके ऐसा कुछ था नहीं व्यवस्था। 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, तो भाई माताजी घर में परेशान कि बेटा का कोई खबर नहीं मिली। अब बहनी अपने अपने यहाँ ससुराल में रो रही हैं, इसलिए भैया आए नहीं, भैया आए नहीं, कौनो माजा बुरी होई है, भैया आए नहीं, कौनो माजा बुरी होई है।
सोच रही भैया आए नहीं, भैया आए नहीं, कौनो मजबूरी होई है, भैया आए नहीं, कौनो मजबूरी होई है। सोचती है या तो रुपया पैसा ना होई है बिरना आए ना हमार, या तो रुपया पैसा ना होई है, बहन सोच रही हो सकत भाई भैया के पास पैसा ना हो, गरीबी की दशा बड़ी दयनीय है, या तो रुपया पैसा ना होई है बिरना आए ना हमार, और या तो बरखा महिहा लागी ना, या तो बरखा महिहा लागी ना, मजूरी होई है भैया आए नहीं। बहनी सोच रही या तो रुपया पैसा ना हुई है, या तो बरखा में यहाँ लागी ना मजूरी, भाई बरखा मजूरी उजूरी नहीं लागत है तो भैया ये जो सुनैया अपने मन में सोच रही, फिर सोच रही है सबके भैया आए द्वार और बिरना आए ना हमार, सबके भैया आए द्वार करवा का पर्व है, जिसके भाई नहीं है उस बहन को कितना रोना होता है, अजी के भाई है तो नहीं आए पाए, इसलिए बहनी सोच रही भाई सबके भैया आए द्वार बिरना आए ना हमार, सबके भैया आए द्वार, अरे बिना बिरना के रे दिल माना, बिना भैया के रे दिल माना, सबूरी होई है भैया आए नहीं कौनो राजा। बहनी सोच रही सबके भैया आए पर हमार भैया नहीं आओ, बिना भैया के दिल में सबूरी नहीं हो, भाई बहन का प्रेम ही ऐसा है, इसलिए बहन बेचारी बार बार सोच रही भैया नहीं आए। मनमा बहनी रही बिचारी, बहनी रोई रही ससुरारी, बहनी मनमा रही बिचारी, बिना बिरना के रे, बिना भैया के रे दिल माना, सबूरी होई है भैया आए नहीं कौनो राजा। इस तरह से बहनी अपने यहाँ रो रही, इतने दिन हो गए भैया नहीं आओ, भैया नहीं आओ, और जी के नवरे से आना जाना कम होता है, ससुराल माँ उसकी बहन बेटी का सम्मान कम होता है, इसलिए भाई हमारा निवेदन है कि बहन हो या बिटिया हो महीना 15 दिन बाद जरूर एक दिन चले जाए, नहीं तो गांव में सब ताना मारे लेते हो का बहनी क्या कोनो कदर नहीं, का भाई बाप झां की का नहीं दिया खत, यह तो कहत न, तो इसलिए बहन बिटिया क्या जरूर महीना दिन महीना जरूर चले जाए चाहिए, आखिर ससुराल आदमी धावा बांधे रहा था तो क्या बहनी बिटिया क्या चले जाए चाहिए। बहनी रोए रही भैया नहीं आओ, भैया नहीं आओ, अम्मा भी सोच रही भैया नहीं आओ, इधर प्रदेश में रहते रहते काफी दिन हो गए, तो एक दिन वो लड़का विचार करने लगा लाओ अब घर का चले जाए, नहीं बिचारी हमारी महतारी बूढ़ी है
और हम यहाँ रुपये कमात रह जाब कहो अगर अम्मा चली गई तो ये पैसा हम का करब। देखो माया मोह मानत नहीं है और नहीं जब तक मालिक राखे है यह सुकून है बस। अब भाई आपके पास 5 करोड़ रुपया और हो जाए तो का रुपया खाए लगी हो, अब मरना है ही है और साथ जाना है नहीं, तो जब तक भगवान राखे तब तक खुश रहो। हम जो नहीं कहते आगे कमाओ ना, नहीं ना खूब कमाओ, भगवान खूब बढ़ावे वो अलग बात, लेकिन खुश रहो। क्योंकि इतना होते हुए भी कुछ लोगों को हम देखते हैं कहा क्या होते भैया इसे बड़ा परेशान का है, मनुष्य जीवन मिल गया दादा देवतन से बड़ा मनो जीवन है। भगवान ने कहा है मैंने तुमको सब कुछ दिया है, अब तुम ना पाओ तो क्या करी। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही, अब तुम कुछ करिए ही नहीं हो। घर में गैस है, चीनी है, दूध है, अदरक है, चाय पत्ती है, अब तुम सोचो तो रजाई सन्ना नहीं करी, ऐसे बन के आ जाए तो कहाँ ही भाई, तुमको निकलना पड़ी, हाथ गुआर धोवे पड़ी, फरायदान मांजे पड़ी, है गैस वैस जल मतलब चलो खैर मांजे ना मन हो ना मानो पिए तुम है, लेकिन तब वो खौलावे पड़ी। बहुत जनी चौका उका कहाँ शुद्ध देती, तुम ऐसे उल्टा सीधे कह के गैस वैस धोते ही नहीं, वो तो खैर तुम्हारे जितन का मन हो तन का, लेकिन बहरहाल बनावे पड़ी तब तो मिली। यही चीज है, सब कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं। भाई सोच करके हिसाब करवा लिया, खूब रुपया 3 साल क्या रहा बेचारा, नमक रोटी खाए खाए पैसा बचाई से। एक एक रुपया का मावई नमक रोटी खावई नमक रोटी खावाई हो, एक रुपया का मावई नमक रोटी खावई नमक रोटी खावाई हो। एक एक पैसा खटपट करके बेचारा कमाइस और नमक रोटी खाइस, 3 साल बाद जब चले लाग तो झारा भर रुपया होगा भाई, तो सोच लाओ घर का इतने दिन बाद जा रहे हैं तो कुछ ले करके जाए। इसलिए उस भाई ने बाजार में गया और बाजार में कपड़े लिए, अम्मा खातिन कपड़ा, बहनिन खातिन कपड़ा, साड़ी जेवर भी कुछ लिए, ऐली पहली जो जिस लायक था कि भाई इतने दिन के बाद घर का जा रहे हैं तो कुछ लेके जाग जाए। या 5-6-7 दिन की बात घर का जाओ तो कुछ मा कुछ लावा जाए तो 3-4 साल हो गए उनका घर का। इसलिए वो बाजार में गया और क्या किया, हम मोरे रामा मैया कैली ना कई दुलरिया अपनी बहिनी ना, कई तिलरिया अपनी बहिनी ना, कई तिलरी आई हो। तिलरिया अपनी बहिनी ना, कह तिलरिया अपनी बहिनी ना, कह तिलरी आई हो। मोरे रामा लई कई तिलरिया चाली दीना यार बीरनवा, अपने से सवा यार बीरनवा अपने घर आई हो। घर को चल दिया भाई, जब घर को चल दिया रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई,
अशगुन होगा, छींक हो गए, अशगुन होगा, लेकिन कुछ माना नहीं, वो चला आया। तो चलते चलते रास्ते में देर हो गई, शाम हो गई, तो विचार करने लगा, भैया पहले गली कच्ची रहा, चोर चाटा माता जी बहुत गली में लागत रहा। भाई सोचे लाग, मैं घर को जाऊं कैसे, कहीं रास्ते में चोर चाटा मिल गए तो हमारा सब धन ले लेंगे। और अम्मा हमारी कब से बिचारी आस लगाए घर में बैठ हुई, दीदी हो रही हमारी सोचती हुई, भैया नहीं आए। अशोक कुमार भैया हास्य में उसे 101 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में, शुभ कमाई भगवान कल्याण के जीवन मंगल। इसलिए सोचा रात में जाना ठीक नहीं, और गली में बहन के यार गाँव पर ही गा, सोचे लगला आवाज ही रुक जी कि मोरे रामा आजू रायनिया बहन के घरवा सो मेरे हामा जई बैसो मेरे चाले जई बाई हो जा रहा है। और जब बहन के यहां पहुंचा, बहन द्वारे में रहा, देखी से भैया आ रहा, ऐसी बात नहीं, लपट के दौड़ी, लपट के हंस के मिली, भाई इतने दिन की बाद आओ, द्वार पर मिली, लपट झपट के दौड़ कर मिली बड़े भाव से। और रामनाथ भैया जी हास्य मऊ से और रामेश्वर भैया जी हास्य मऊ से 101 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में, शुभ कमाई प्रभु जी के कल्याण के जीवन मंगल में हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहन मिली भाव से, ऐसी बात नहीं, और रोने लगी। और बहन कहा लाग, भैया अतने दिन हो गए, तुम क्यों नहीं आए। श्री देशराज यादव जी भुजंगी पुरवा से 51 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में, प्रभु जी के कल्याण के जीवन मंगल में। बहन कहा लाग, बताओ भैया, मोरे बिरना एक ही तौ कोखिया के भी रनवा दर दिया नाही, लायो बहनिया का भोलाए ओ हो, मोर भैया इतने बारा सा तुमका बीते घर आई नाही, आयो बहनिया का भोलाए ओ हो, जब कहा भाई कहा लाग बहनी का बते घर में नहीं रहा, 3 बरस हो गए बहनी हम परदेश में रहन, घर में होते तो एको परब हमार छुटती ना, का बहनी भाई से बड़ा कोई है जरूर इतन बहनी मिला घर में नहीं रहा। श्रीमान राजू भैया जी हास्य में उसे 101 मुद्रा दान है भगवान कल्याण के जीवन मंगल में। और बहनी अब हम एको परब न बंद करब समाई बे, और अब वही भैया नहीं है बहनी, 3 साल से कमाए के लाए हैं, देखो अम्मा खातिर जाओ सब कपड़ा लाने दो, जेवर लाए हैं, और इधर 80 रुपया है, बहन का झोरा दे। कहला बहनी जो झोरा रख लो,
हे मोरे बहिनी हाय मोरी बहिनी ले लियो रुपया ना वाले झोरावा यार सुबेरे कारा जई बे यार सुबेरे कारा जई भाई हो कालाक बहिनी ई झोरा रखिलो माता जी उका ना छुआ करो हाँ। तो कहाँ सुबह हम घर जाएंगे जो झोरा धर दियो कोई होए भाई ज्यादा पैसा हो तो मेहमान खियावा छे तो दे दे थे कि लो रख लो भाई सुबह हम जाब तो हमका दे दियो बहन का झोरा दे दिस और बहन जब वो रुपया देखिस अतने रुपया तो बहन विचार करे लाग कि मोरे रामा अतने रुपया जो मई पैत्यो तौ रनिया होई जैत्यो तौ रनिया होई जो हम पाए जाए तो रानी हो जाए कब हो देखिस नहीं कब हो जो कोई देखा न हो जाना न हो दस दस के लिए छुट्टा नोटे करे दो ज्यादा ने खाली एक लाख रुपया के लिए दस दस के छुट्टा करे दो देखो उसके लिए वो तो समझे रही है बाट अतने रुपया ये जिंदगी में खत्म हो जाए वो यही सोच अब महारानी पैसों को देख करके वो बहन मन में सोचे ला अगर अतने रुपया मिल जाए तो हमारा जीवन आनंद से कट जाए और बात ये भक्तों कहे सुने पत्थर चल जाई लोभ पाप का बाप न जाए मोह सकल व्याधिम कर मूला सभी व्याधियों की जड़ मोह है अब उस पैसे से उसको मोह हो गया लगाव ये हो गया मन में सोचला अगर इतने रुपया हमका मिल जाती तो हम रानी हो गए बस उसने क्या किया ए मोरे रामा हाय मोरे रामा बिरना का घर मा वा खवा वैयर राम हतवा मालता वैयर राम हतवा मालता भाई हो अखिलेश भैया की अम्मा माता जी के द्वारा एक से एक मुद्रा दान भगवान कल्याण के जीवन मंगल ए मोरे रामा हाय मोरी बहिनी बिरना का घर हेना मा खवा वैयर राम हतवा मालता वैयर राम हतवा मालता भाई हो घर में भोजन करैस बढ़िया और हतवा में लेटाइस हतवा तो आप लोग जानते हो जहां भैंसियों से बांधी जाती है जहां चारा मशीन सब रखी हतवा में लेटाइस भैया बिचारे अति दूर से पहनी चल के पैदल आए रहे तो उनके नींद आए गए मोरे रामा बिरना तौ सावई सोखा निंदिया बहिनिया के रे घरवा बहिनिया के रे हतवाई हो बिरना तौ सावई सोखा निंदिया बहिनिया के रे
घरवा बहन आई के रे हतवाई हो भैया स्वावत रहे थके मांदे वा बहन का करिस अपने ससुर के पास गए और अपने ससुर से बोली कि भैया हमारा वह है बड़े रुपया लावा है। दिनेश भैया हास्य में उसे 51 मुद्रा दान और मनीष भैया जी चूड़ामन पूर्वा से 51 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान कल्याण के जीवन मंगल में हो। मने मन सोच ससुर के पास गई, ससुर से कहा हमार भैया बड़े रुपया लेके आवा है और ससुर से कहा भैया खतन एक जुगाड़ सोचन। ससुर सोचला कोनो बात होई, वो साधु महात्मा आदमी कहला बात बताओ का है तो बहुरिया अपने ससुर से कहला ऐसा पैसा भैया बहुत लावा है। मोरे ससुरा बिरना कई काटो तुम खोपड़िया अरे रुपया मिल गई है अरे रुपया मिल गई है हो। ससुर बोला चली जा दुष्ट कहीं की मेरी नजर के सामने दोबारा मत आना तुझे शर्म नहीं आई। अरे मोरी बहुहर हाय मोरी बहुहर ये कई तो कोखिया या कई कोखी क्या तुम्हारे भाई तुम्हें शर्म नहीं आई। देखो ससुर समझा रहा हाय मोरी बहुहर हाय मोरी बहुहर ये कई तो कोखिया दिया तुम्हारे नाही अरे दार दिया तुम्हारे नाही हो। एक कोखी का बताओ तुम्हारे भाई ससुर समझा रहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें दर्द नहीं हो रही चली जाओ अब हमारी नजर तले दोबारा तुम ना आयो झंड मार के चली गए। तो ससुर सोची सोई कि अब हम हटकार दे हन हल्ला कर देना पहुड़ रही हो लेकिन उके भैया चैन नहीं। तो वह ससुर का तो खवाए पिया के इधर फिर गए अपने आदमी ले अपने पति से बोली पैसा दिखाई अतने रुपया भैया लावा है। पति समझावे लाग कि देवी जी अच्छी बात है पैसा लावा भैया ठीक है लेकिन अब रात में तुम हमका दिखावे आई हो। कहला हमार बात तो सुनो तुम भैया हमार हतवम पहुरा है और चलो चली और दोनों जनों का मार डरी और इस सब रुपया ले ली। तो आदमी समझावे लाग तुम पगले आए गए मोरी रनिया ए कोई तौसाला है हा मारे ससुररिया छूटी जय है ससुररिया छूटी जय है हो। मोरनिया ए कोई तो गिरना है तो मारे नहीं हरवा छूटी जई है नहीं हरवा छूटी जई है हो। आज समझा रहा है आदमी एक हमारे साला है हमार ससुराल छूट जाएगी एक कोई तुमरे बताओ भाई है तुम्हारे नैहर छूट जाएगी। अब जरा सोचो मोरी रनिया जब हम जइबे ससुररिया तो जीजा कहीं घो रही है यौ पलंगा भी छई हाई हो। रनिया हे रनिया डाली गाले के बीचा
बहिया तो हाँसी माता लई है तो हाँसी माता लईहाई हो कहे लाग बताओ जब हम अपनी ससुराल जा तो हमसे गरम बाह डाल बढ़िया जीजा कह के हमसे हंस के बतलाई पलका बिछाई चाय दूध लई और तुम्हारे दिमाग तुम्हार खराब हो गो भाई को मारना चाहती हो इसलिए मेरी बात मानो बेचारा देखो समझा रहा कहला कि मोरी रनिया मारो नाया पाना भी रनवा रुपया तुमका जाब रुपया तुमका जाबाई हो करबाई मेहनत यौमा बुढ़िया रुपया वतन जाब रुपया तुमका देबाई हो कलाग मेहनत मजूरी करब तुमका रुपया हम वतन देब लेकिन भाई का न मारो देखो कितनी अच्छी बात बताइस पति का स्वाद है कहला ठीक है तुम्हार बात मान ले पति का स्वाद है पति समझी कि अब हम समझा दे हो सकत मान गए हो लेकिन आदमी का स्वाद का और वह नौकर सुभाष लगे पहुंची जाए नौकर से कहला चलो हमारे भाई रुपया लावा है तुमका मारक अरे नौकर कहला मलकिन हम जो काम न कर कला ना मनी हो तो सवेरे तुम्हारे फांसी दबा दिया तो वो सोच लाग मरे तो है कला बहनी चलो चलब वो मलकी लेकिन सुनो एक बात मानक पड़ी तुम कह बताओ कला मैं भाई के शरीर को पकड़ लूंगा पर खोपड़ी तुम्हें काटना है और इस काम के बदले में मलकिन आधा धन तुम्हें बांटना है कला खोपड़ी हम पकड़ लिया और काटल तो वह पड़ी और आधा रुपया ले लिया मलकिन हाँ कर ली भैया बताओ बिरन सोए रहे लई कई दो धारी ताला वरिया बहनिया हुई जावई बहनिया हुई जावई हो सावई सुखा निंदिया बहनिया के रे घरवा बहनिया के रे घरवाई हो नौकर तो पाका रही सारिया बहनिया बिरना मारे बहनिया खोपड़ी काटाई हो लईकई वह बिरना कैला हसिया अंगनवा मैया गाड़ई अंगनवा बीच गाड़ाई हो भाई पकड़ नौकर जब शरीर पकड़ा बहन बहनिया काली नागिन बन गई अपने सगे बहन पर दिन कटार चलाई बहनिया काली नागिन बन गई We'll be right back.
लेके आंगन बगाड़ दी। माता हिया घर में वो लड़का राती सपना रतिया सपना राती सपना देखा भाई लागे ललना राती सपना देखा भाई लागे ललना राती सपना सपना देता है कि मैया मम्मी बहन कसाई हमई काट काट दाढ़ी बहन कसाई हमई माता को सपना दे रहा है लड़का अम्मा अम्मा हमका दीदी माता आज बेचारी माता के आंखों में आंसू आ रहे रात बहन कसाई हमें काट काट गाड़ी बहन कसाई मम्मी हे मैया तुम का न मिले तोरे ललना राती सपना देखावे लागे करके रात में रोने लगे सपना में भाई कहता अम्मा अम्मा तुम हमका खुशहारी खवाए रहो अम्मा हमका दीदी मार डाले अम्मा हमका दीदी मार डाले आज बिचारी रात में माता चिल्ला करके बोली है तो सपना लेकिन बेटे का सपना है। माता अपने बेटे के लिए हाय हाय चिल्लाने लगी मेरे लाल मेरे बेटा। आज बिचारी अम्मा रात में रो रही रात में मैया रोई रही बिचारी रात में मैया रात में मैया रोई रही बिचारी हमका बिसारी गए हाय मोरे ललना राती सपना देखावे लागे ललना राती सपना चल दीस माता मैया जब चल दीन उसी बहन के यहाँ पहुंची जाए वहीं जब पहुंची बहन दौड़ के मिली अम्मा का बात बहन बहनी बात बिटिया का हम ऐसा ऐसा सपना देखे ना वह बहन कहा लगा अम्मा कितने दिन होगी भैया नहीं आवा और बोली कि मोरी मैया हमका जो मिली है ना भी रनवा जहारो खाई मर पाई जहारो खाई मरबाई हो अगर हमका भैया ना मिली तो हम जहर खा के मर जाए। भाई बहन जो मारिस मैं ऐसा कह रहे शाम हो गई अंगना में माता का पलका बिछाई इस खटिया माता सोई गई। रात में वो लड़का फिर सपना देने लगा अम्मा जहां तुम लेटी हो वही हम गाड़े। माता उठकर बैठ गई फिर नींद आने लगी फिर लेट गई फिर सपना हुआ फिर उठकर बैठ गई। जब कई बार उठा बैठी लगी तो अंगना धासाई लागे मचवा दे मैया बैठी देखई ओ मैया बैठी देखाई
नहीं कौनो ले आरो क्या हो बस तो माता जी बार बार उठती बैठती मचवा धसने लगे। जब मचवा धसने लगे तो माता जी का कुछ शंका हो गई तो अंगना खोदे लगे। और जब आंगन खोदी लड़का की लाश मिली मैया हाय हाय चिल्लाने लगी मेरे लाल मेरे बेटा। इतना चिल्लाने लगी मेरे लाल मुझे छोड़ के चले गए। बुढ़ापे का सहारा एक ही लाल था कुछ नहीं था। किस्मत को कोस रही मैया चिल्ला। गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए सुबह होने को है। जे माता मैंने सुबह मॉर्निंग में मैदान जा रही थी बाहर जा रही थी रोवत सुने हुए पहुंच जा। काफी लोग इकट्ठा हो गए। उस रास्ते से शंकर पार्वती जी निकल पड़े भोले बाबा से। पार्वती जी कहे लगी भोलेनाथ कोनो माता रो रही। शंकर भगवान ने कहा देवी जी मृत लोक है कोई रोई कोई हंसी कहूं खुशी कहूं गम कहूं अर्थी निकली तो कहूं जन्म हो। ये तो संसार है। पार्वती के संसार का रोना अलग है लेकिन यहाँ कोई माँ रो रही है। माँ की ममता बड़ी महान है इसलिए भोले बाबा चलो। जिद कर दिया माता जी तो शंकर भगवान साधु का वेष बनाए। पार्वती साध्वी बनी। वहां पर पहुंचे देखा सब हाय हाय हो रहा। भोलेनाथ ने उस छानबीन किया भाई क्या बात है। तो बूढ़ी माता जी कहला भैया हमार परदेश गए रहे सात बिटिया रहे माया की हाउ देखो बिटिया आए। जो भाई का नहीं समझिस लालच वही से होत माया आई से आए। मायम भाई भाई का मा डरत मायम लड़का बाप का मा डरत मायम। अब सोचो कैस कैस काम हो जा। भोले बाबा उस माता के लिए उस बेटे को जिंदा कर दिया। नहीं मर जाएगी बिचारी और कोई उसका सहारा नहीं था। पार्वती जी के कहने से बेटा को तो भोले बाबा ने जिंदा कर दिया। महतारी अपन लड़का पहन कहन बड़ी खुशी है चलो बच्चा कहन चलो बच्चा। और छोड़ दे हो बहनी के रा दसवा दोबारा नहीं आयो दोबारा नहीं आए हो। लईकई लालनवा मैया जावैया रे तय अपने घरवाई हो रामा खाई जाहारो बहिनी मर गई बीरनवाई के का रनवा बीरनवाई के का रनवाई हो। लालच नहीं करो भैया जय लालच वैसा हो वैसे लालच वैसा हो वाई हो। रामा लालच मा फस कई बाबा हिलिया भी रनवा कई है माराई हो। रामा भोला चंदा वाली जावे सुनैया फाले पावे रसिया सुहरे गावाई हो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम
छोड़ के बाने आज नाम रखते रहो तब तक रहे जिंदगानी नाम नाम रखते रहो तब तक रहे जिंदगानी नाम नाम रखते रहो तो अक्षर का मंत्र मनोहर दो अक्षर का मंत्र मनोहर दो अक्षर का मंत्र मनोहर सुमिरत शंभो भवानी सुमिरत शंभो भवानी राम राम रचते रहो तब तक रहे जिंदगानी राम नाम रचते रहो रचते रहो राय रखते रहो राम रखते रहो राम रखते रहो मान लो संत सतगुरु की बाणी मान लो संत सतगुरु की बाणी राम राम रखते रहो तब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सब लोग आरती करेंगे खड़े होकर के फिर प्रसाद पात्र।